हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सुबह का 9:30 बज रहा है और आज हम जा रहे हैं थोड़ा अपने कुछ पर्सनल काम से बाहर, पटना में ही। तो अभी हम अपने फ्लैट से निकल गए हैं और निकल रहे हैं। देखिए, अभी हम दानापुर खगोल रोड में हैं, यहाँ से जा रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाना है, यहाँ से आर ब्लॉक ही जाना है, कुछ पर्सनल काम है, इसी वजह से जा रहे हैं दोस्तों। और बारिश हुई है, देखिए बारिश का नज़ारा, बारिश हुई है। ये आपका ओवर ब्रिज है, सगुना मोड़ से जो होता हुआ आता है वो ओवर ब्रिज है, और हम लोग ओवर ब्रिज क्रॉस करके चलेंगे दोस्तों। पटना में ट्रैफिक का हाल देखिए, जब थोड़ी सी बारिश होती है तो बस ट्रैफिक का यही हाल हो जाता है। ये हमारी कार है स्विफ्ट, और देखिए पापा ड्राइव कर रहे हैं दोस्तों, ड्राइव कर रहे हैं। हम भी ड्राइव करते हैं, नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम होती है मुझे, इसलिए ड्राइव तो कर ही लेते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए हम लोग निकल गए हैं, ओवर ब्रिज पर हम लोग चढ़ेंगे। तो आज तो बारिश खूब हुआ है, हर जगह पानी पानी है। आज का काम निपटा लेते हैं, फिर कल से ऑफिस जाना है, तो आज हम ऑफिस से छुट्टी लिए थे कि अपना पर्सनल काम है तो कर लेते हैं, और कुछ बैंकिंग का काम भी है, वहाँ भी जाना है, सब कर ही लेते हैं। तो देखिए हम लोग ओवर ब्रिज पर चढ़ने वाले हैं, ये ओवर ब्रिज है, यहाँ पे हम लोग चढ़ेंगे। देखिए आपको अटल पथ दिखेगा, यहाँ से दिखेगा अटल पथ, हम लोग ओवर ब्रिज पर चढ़ गए हैं और अटल पथ को दिखाई दे रहा होगा। ये पटना का लोकेशन है, देखिए मौसम भी खूबसूरत है आज और अच्छा लग रहा है। चलते हैं। ट्रैफिक का ये है कि ओवर ब्रिज पर जाम लग जाता है, देखिए जाम लगी हुई है, ट्रैफिक का भी यही है पटना का। ये दिख रहा है जो ना ओवर ब्रिज, अटल पथ है जो आपको डायरेक्ट एम्स के पास से चढ़िएगा तो डायरेक्ट आपको मरीन ड्राइव के पास, आप वहाँ पे ये उतर जाइएगा और वहाँ से आपको डायरेक्ट चले जाइएगा गंगा पथवे पे। देखिए ट्रैफिक का हाल, देखिए आपका ओवर ब्रिज दिख रहा होगा, ये अटल पथ, इसी के नीचे आपका पाटलिपुत्र स्टेशन है और ट्रैफिक है, बगल में यही ब्रिज चला जाता है आपको एम्स के पास, जो दिखाई दे रहा है, ट्रैफिक काफ़ी है। मैंने भी ऐसा है कि ओवर ब्रिज अभी रहता है, संडे को वो क्लियर रहता है, बाकी दो दिन रहते हैं तो प्रॉब्लम तो होती है। यही है दोस्तों, और चलिए आप लोग को दिखाते चलते हैं क्या क्या है। अभी हम लोग आ गए हैं आपका देखिए, दिखा रहे हैं आप लोगों को, अभी और भी हम लोग चढ़ गए हैं, अब आ गए हैं आपका जगदेव पथ के पास, जगदेव पथ के पास आ गए हैं। यहाँ भी ट्रैफिक है, ट्रैफिक का स्थिति बहुत खराब है, ट्रैफिक का जो है ना बहुत ही खराब है। कितना भी कुछ हो ओवर ब्रिज बना है लेकिन जाम लगता ही है, प्रॉब्लम तो है। ये बगल में आपको शॉप से भी दिख रहा होगा, ये मार्केट है इधर का, अच्छा मार्केट है राजा बाजार का। यहाँ पे आम यामा का शोरूम दिख रहा होगा, और ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ओवर आगे ओवर ब्रिज है ना, इसकी वजह से जाम रहता है नीचे में, तो जाम लग जाता है। चलिए देखते हैं कितना जाम है, जाम तो रहता है, देखिए कितना लंबा जाम है, दिख ही रहे हैं आप लोग कितना जाम है।
यही सिटी है पटना का, राजधानी है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए पटेल ब्लॉक पे। जैसे ही हम लोग जाम से निकलते हैं फिर आपको आगे का चीज़ भी दिखाएंगे क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग सेकेंड ओवरब्रिज पे आ गए हैं। ये राजा बाजार वाला ओवरब्रिज है, देखिए दिखाते हैं यार जो जा रहा है। ये ना ओवरब्रिज है ना, वो ओवरब्रिज है, इस पर जाम नहीं रहता है। कभी भी आइएगा तो जाम नहीं रहेगा, कभी नहीं रहता है जाम। साइड का नज़ारा भी दिखा रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स देखते रहिए। पटना में जो लोग हैं वो तो देख ही रहे होंगे, जो पटना से बाहर होंगे वो देखिए कितना पटना डेवलपमेंट हुआ है। देख लीजिए बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपका रिलायंस डिजिटल है, टेलकॉम होम्स है, महिंद्रा का है, आपको दिख रहा होगा। ये आपका पेंटागॉन्स का है, यही एक देखिए उनको दिखा रहा है द ग्रेट कबाब फैक्ट्री है। ये देखिए यही है आपका है, एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसमें आपको मूवी चलता है, ये जो बना हुआ है। और देखिए ओवर इस पर कितना कुछ जाम तो है नहीं, वो तो दिख रहा होगा। सारे बिल्डिंग्स बने गए, ये देखिए आपको पारस हॉस्पिटल दिखाई देगा, ये पारस है, ये पारस हॉस्पिटल है, ये पारस हॉस्पिटल, ये पारस हॉस्पिटल दिख रहा है आपको, ये पारस हॉस्पिटल है। यही जाम नहीं रहता है, पटना का स्थिति यही है, थोड़ा कंट्रोल है, लेकिन वहाँ पे जाम था जहाँ आप लोगों को दिखाया कि जाम था। ठीक है दोस्तों, वो बने रहिए पटेल ब्लॉक पे। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने घर पे, क्योंकि जो काम के लिए हम लोग गए हुए थे वो सब काम मेरा हो गया, बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग था आज, तो आज सब क्लियर कर लिया। बैंक का भी काम था, बैंक का भी हो गया, और आ गए हैं अपने घर पे। काफ़ी बारिश हो रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है, और थक भी चुके हैं काफ़ी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हमारे पटेल ब्लॉग्स चैनल को आप लोग खूब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।